अगर आप स्टूडेंट की तरह देखें, ऐसे तो क्या होता है किसी भी जगह, ओशो बहुत अच्छा बोलते थे कि कुछ लोग जो आते हैं वो विजिटर्स होते हैं, कुछ होते हैं तो थोड़े से जिज्ञासु होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं डिसाइपल बहुत कम होते हैं। तो वो सारी बातें अगर हम देखें, मैं तो पहली बात आपसे बोलूं कि ऋतिक तो ऑफकोर्स है ही है। ऋतिक की जो कहानी है वो तो बड़ी अद्भुत है कि वो स्टैमर करता था, उसने घर में भी नहीं बताया था कि मेरी क्लासेस अच्छा मैं जा रहा हूं। ना, 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 वो तो कहानी बहुत 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 पॉपुलर हुई कि लास्ट डे हमने एक सीन किया था विच इज शो केस ऑफ हिस्ट्रियोनिक्स, नेम एनी इमोशन एंड दैट पीस हैज इट अल्टीमेट यू नो सोलो सीन, और वो वीएचएस का जमाना था, वो शूट किया, लेकर गया घर में, माँ ने देखा तो रो पड़ी, और ये फिर भी बहुत शाय था, राकेश जी को पता नहीं था। तो रात को माँ ने चोरी किया और बाप को दिखाया, और 2 बजे रात को मुझे राकेश रोशन का फोन आया कि जी बच्चा तो पैदा हुआ था, स्टार इज बॉर्न। क्या बात है सर। और ये सच्ची बात है, और स्टैमर करता था, उसके बहुत ज्यादा मतलब बैक प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वैसी डेडिकेशन मैंने बहुत कम देखी है। बिल्कुल, क्या बात है सर, क्या बात। अक्सर मैंने आपसे नहीं सुना, मैंने अक्सर लोगों से सुना, अरे वो ये कहा जाता है कि उन्होंने ऋतिक रोशन को बनाया, उन्होंने रणवीर सिंह को बनाया, उन्होंने फला फला को बनाया। सर ये सुनकर अच्छा लगता है या कहीं कहीं आपको लगता है कि ये सही नहीं कहा जाता, या आप मानते कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग? मैं एक बात मानता हूँ, संस्कृत में एक बहुत बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है, वो टीचर्स के लिए बड़ा सही है, एको आम बहु श्याम, मैं एक होता आज मैं बहुत हूँ। बिल्कुल, सम रिफ्लेक्शन ऑन माई वर्क, बनाया कोई भी किसी को नहीं बनाता, वो आप जानते हैं। क्या बात कही सर। वो मैं बल्कि जब ऋतिक भी आया था और जब भी कोई भी आया तो मैं ये कहता हूँ कि आई कैन नॉट टीच यू, यू कैन लर्न फ्रॉम मी, आई एम अ ट्रेनर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम एन एडुकेटर, मैं हमेशा ये कहता हूँ। क्या बात है सर। और मैं सच आपसे कहता हूं कि इन लोगों की मेहनत थी, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऋतिक एक दिन नहीं आया था और उसने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सर व्हाट डिड आई मिस आउट, कैन आई मेक अप फॉर द बैकलॉग। तो इनकी जो डेडिकेशन मैंने देखी है, जो रणवीर की तपस्या, विकी की, सब लोग जो हैं जितने भी हैं, प्रियंका उनके बारे में बात कर सकते हैं, मे बी दे वर नॉट वेरी फोकस्ड और करीना वाज शाय, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ लोग जानते हैं कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है तो वो इश्क करते हैं काम से। तो